good to see you. सबसे पहले तो आप दोनों से जानना चाहेंगे कि आप दोनों में आप दोनों को अपने आप में सबसे स्टाइलिश चीज क्या लगती? Please. I think my at आगे मुझे अब oh my god हाँ जी आगे हम दोनों फ्रेम में सो मुझे खुद में सबसे ज़्यादा स्टाइलिश मेरी एटीट्यूड लगती है आई थिंक अगर एक अच्छा एटीट्यूड हो चाहे भले ही आप कोई भी कपड़े क्यों ना पहनो यू विल एंड अप लुकिंग स्टाइलिश स्टाइल मेरे लिए इट्स नॉट कॉपिंग फैशन ब्लाइंडली इट्स अबाउट एज आई सेड एन एटीट्यूड द वे यू कैरी योर क्लोथ्स एंड आई थिंक आई एम स्मार्ट इंटेलिजेंट एलिगेंट शीक being modest but that's what I feel about myself definitely I would buy this point attitude and personality is something that sets you apart so yeah. whatever clothes you wear up you can set yourself apart just by your personality that's it aap dono ka style icon bol rahe hain style icon I really don't look up to anybody but I love styling myself so मुझे पूछा जाए तो मतलब आइकॉन तो मैं नहीं बोलूँगी बट देयर आर फ्यू पीपल आई रियली एडमायर ऑफ कोर्स रेखा जी आई थिंक शी इज अ डीवा आई मीन यर्स आई थिंक आई रियली लुक अप टू हर एंड इन द करंट सिनेरियो आई लव दीपिका आई थिंक शी इज गॉट एन अमेजिंग एटीट्यूड वो कुछ भी पहनती है आई थिंक शी लुक्स स्टनिंग क्या दो एक्ट्रेसेस अच्छी फ्रेंड्स हो सकती हैं और एक साथ आ सकती हैं रेड कार्पेट पे और एक दूसरे की तारीफ कर सकती हैं हाँ रूबी यू आर लुकिंग सो प्रिटी एंड क्यूट देखा आप लोगों ने मैंने कैसे तारीफ की नो जोक्स अबाउट बट यस ऑफ कोर्स वी कैन ऑफ कोर्स अरे ऐसा नहीं होता कॉम्पिटिशन में चलना कुछ इस तरह की बातें मेरे लिए कॉम्पिटिशन इज ऑलवेज विद माई ओन सेल्फ आई नीड टू लुक बेटर वॉट आई वॉज लुकिंग इन द प्रीवियस अवार्ड शो और इवेंट और एनी ऑफ द वेज दैट आई कैरी तो मेरे लिए कम्पिटिटिवनेस आई डोंट थिंक सो इट मेरे लिए भी वही आई थिंक इट्स कम्पीटिंग विद माई कम्पीटिंग विद माई सेल्फ बट ऑफकोर्स यू नो आई गेट इंस्पायर्ड एंड एक हेल्दी कॉम्पिटिशन तो होता ही है यू नो इट्स ऑलवेज अगर कोई अच्छा कर रहा है इट्स इंस्पायरिंग यू यू नो टू डू बेटर इन लाइफ सो आई रियली लुक एट इट इन अ वेरी हेल्दी वे वो एक्चुअली एक गाड़ी में छूट गया यस दीज आर माई ईयर कप्स तो एक में पहनना मुझे ज़्यादा अच्छा लगा एक में छटका के दिखाइए Thank you guys, thank you so much.